डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास 12th के लिए। सब्जेक्ट मैथमेटिक्स को पढ़ाना शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, हम लोग एनसीईआरटी बुक को फॉलो करते हुए मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज 7.4 को। ठीक है, एक्सरसाइज 7.4। अब इस एक्सरसाइज 7.4 में चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेट करना है 3x² / x^6+1, ठीक है, इंटू डी एक्स। दोस्तों, क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि ऊपर हो गया 3x² और नीचे हो गया x^6 है, तो क्या इसको x^3 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, x² और इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर इंटू डी एक्स। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग क्या किए, एक्स क्यू को मान लिया टी। जब एक्स क्यू को टी माने तो एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, 3x² dx बराबर dt। तो यहाँ पे हो गया 3x² into dx, ऊपर 3x² dx है, ऊपर क्या रख दिए dt, और नीचे क्या हो गया, एक्स क्यू को क्या माने, एक्स क्यू को माने टी। तो यहाँ हो जाएगा टी का स्क्वायर, क्योंकि एक्स क्यू को टी माने हैं। ठीक है, तो एक्स क्यू का क्या है, स्क्वायर है, तो एक्स क्यू की जगह पे टी रखें, टी का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो कुल मिलाकर यहाँ पे हो गया 1/t² + 1² into dt। तो फार्मूला पढ़े हैं ना हम लोग, फार्मूला क्या पढ़े कि 1/x² + a² into dx रहेगा, तो टेन इनवर्स x/a + c करते हैं। तो देख लो भाई, a का मतलब क्या, कांस्टेंट ना, और x के जगह पे क्या है t², यहाँ dx के जगह पे dt है, तो इसका फार्मूला हो जाएगा tan इनवर्स x/a होता है, तो x के जगह पे क्या है t, और a के जगह पे क्या है 1 + c। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स t/1 को tan इनवर्स t लिख सकते हैं प्लस सी। और दोस्तों, टेन इनवर्स टी हम किसको माने हैं, एक्स क्यू को, तो टेन इनवर्स एक्स क्यू प्लस वन सॉरी प्लस सी, इस तरीके का हम लोगों का आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। फिलहाल अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। जैसा कि जानते हैं, आप क्वेश्चन नंबर 2 को देख पा रहे होंगे, ये है 1/√1 + 4x² into dx। दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप ऑटोमेटिक यानी खुद से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, और हम आपको एग्जांपल के तौर पे बताए भी हैं कि इसको हम लोग सॉल्यूशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपका ये सॉल्यूशन किया हुआ है, देख लीजिएगा ये कौन सा फार्मूला चलेगा। तो ये फार्मूला चलेगा 1/√, ये कर दीजिएगा 1 को 1² यानी कि a² प्लस 4x² है, तो इसको 2x² कर दीजिएगा, तो a² + x² वाले फार्मूला पे ये आ जाएगा। ठीक है, तो हम एग्जांपल पे बताए भी हैं, इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/√2 − x² + 1, ठीक है, इंटू dx। दोस्तों, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1/√2 − x² + 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को 1² into dx। अब ये कौन सा फार्मूला पे है, तो ज़रा फार्मूला याद दिला देते हैं। फार्मूला था ऐसा, 1/√x² है, क्योंकि x वाला पार्ट तो यही है ना, तो x के जगह पे पूरा हो गया x² + a² इसका फार्मूला क्या था, इसका फार्मूला था log मॉड में x + x² + a² और प्लस c, ये हम लोगों का फार्मूला था। ठीक है, इसी फार्मूला पे देखिए, इंटीग्रेशन है, 1 ऊपर है, रूट में है, x की जगह पे क्या है, यहाँ पे 2 − x² + a², तो a की जगह पे कितना है 1, तो फार्मूला रखेंगे log मॉड ऑफ x, x के जगह पे कितना है भाई यहाँ पे 2 − x, तो 2 − x रखिए, प्लस
प्लस रूट अंडर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वैसा का वैसा ही रख देंगे, तो यहाँ पे 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस 1 ब्रैक प्लस सी। लेकिन दोस्तों x का गुणांक क्या है, यहाँ पे x का गुणांक माइनस वन है, तो माइनस वन से डिवाइड कर देंगे तो कुल मिला के आंसर आ जाएगा हम लोगों को कैसे, माइनस, इस माइनस को ऊपर भी ले जा सकते हैं, माइनस लॉग मॉड ऑफ 2 माइनस एक्स प्लस रूट अंडर 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। अब यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं, नहीं तो एक लॉग का प्रॉपर्टीज होता है कि यहाँ कुछ नहीं है तो गुणांक क्या है, माइनस वन, ये माइनस वन कहाँ जा सकता है, लॉग के पावर में, यानी ऐसे हो सकता है लॉग 2 माइनस एक्स प्लस रूट अंडर 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 ठीक है के पावर क्या आ गया, तो माइनस वन प्लस सी। देखिए एक रूल होता है यहाँ पे, कि रूल क्या होता है जरा देखिए, लॉग एम के पावर अगर एन होता है तो एन आ जाता है पीछे, एन लॉग एम ठीक है, एन लॉग एम। अगर दोस्तों एन पहले से ऑलरेडी अगर बाहर रहेगा तो हम एन को पावर में ले जाएंगे ना, एन को कहाँ ले जाएंगे, पावर में ठीक है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे देखा जाए तो एन जो है पावर में है, तो इसको हम लोग पहले ले जाएंगे तो एन लॉग एम हो जाएगा ठीक है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये पहले ही माइनस वन था, तो हम लोग इसको पावर में कर दिए माइनस वन ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं लॉग मॉड ऑफ वन डिवाइड बाई, क्योंकि पूरा माइनस में है वन है, तो जब पावर माइनस वन होता है तो उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं, वन अपॉन टू माइनस एक्स प्लस रूट अंडर टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वन और प्लस सी ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसका आंसर यहाँ तक भी कर सकते हैं, इसका आंसर यहाँ तक भी कर सकते हैं ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्वेश्चन है साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट अंडर 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो 1 को 1 छोड़ दिया रूट अंडर, और यहाँ पे 9 है तो 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस 25 एक्स स्क्वायर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तब आपको पता चल रहा होगा कि ये फार्मूला पे है, कौन सा फार्मूला पे भाई, तो 1 अपॉन रूट अंडर ये कांस्टेंट है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला हम पहले बता चुके हैं, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी ठीक है। आप इस फार्मूले पे बैठाइएगा और ध्यान रखिएगा कि x का गुणांक यहाँ पे कितना है, 5 है, तो जितना x का गुणांक है उससे आप डिवाइड कर लीजिएगा, यहाँ x का गुणांक 5 है तो आप 5 से डिवाइड कर लीजिएगा ठीक है। तो इस तरीके से चौथे क्वेश्चन को भी आप अच्छे से सॉल्यूशन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, तो 3x अपॉन 1 प्लस 2x के पावर 4 इसका इंटीग्रेट करना है। इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, सबसे पहले देखिए इसको लिखेंगे 3x अपॉन, ये 1 को लिख सकते हैं ना 1 स्क्वायर, और 2x के पावर 4 है तो रूट 2x के पावर स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है 2, और एक्स स्क्वायर का पावर स्क्वायर है तो हम इसको लिख सकते हैं पावर 4 ठीक है, इंटू क्या डी एक्स। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो हम लोगों को यहाँ पे मिल रहा है 1 स्क्वायर रूट 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ऐसा करते हैं रूट 2x स्क्वायर को मान लिया जाए यहाँ पे t, रूट 2x स्क्वायर को मान लीजिए t, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन करके आएगा 2 रूट 2x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 रूट 2x डी एक्स
इज इक्वल टू डी टी। दोस्तों यहाँ पे तो आपको कहीं भी डी टी कहाँ पुट कीजिएगा, यहाँ पे तो एक्स रे डी एक्स है, थ्री एक्स रे डी एक्स है, आपका आ रहा है टू रूट टू एक्स रे डी एक्स। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि एक्स रे डी एक्स का वैल्यू पुट कर लेते हैं डी टी बाई टू रूट टू, ठीक है, डी टी बाई टू रूट टू। अब यहाँ पे हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो इंटीग्रेशन के बाहर में थ्री है, थ्री को बाहर निकाल लीजिए, ऊपर बच रहा है एक्स रे डी एक्स बट्टा वन स्क्वायर और रूट टू एक्स स्क्वायर को माने हैं टी, तो वन प्लस टी स्क्वायर। अब आप यहाँ पे थ्री बाहर है और एक्स डी एक्स के जगह पे क्या रख सकते हैं, डी टी अपॉन टू रूट टू अपॉन वन स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ टू रूट टू, टू रूट टू यहाँ पे डिवाइड में है, इसको भी बाहर कर लेते हैं, तो थ्री टू रूट टू बाहर हो गया, तो यहाँ पे हो गया डी टी अपॉन वन स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे देखा जाए तो थ्री बाई टू रूट टू को हम लोग बाहर कर लिए इंटीग्रेशन, और ऊपर हो गया डी टी बटा वन प्लस वन स्क्वायर टी स्क्वायर। क्या हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं भाई, थ्री बाई टी रूट टू और इंटीग्रेशन वन बाई क्या है वन स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी, ठीक है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे देखा जाए यहाँ पे क्या होगा, तो ये फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, वन बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, ठीक है, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे देखा जाए तो थ्री बाई टू रूट टू ये तो होगा ही होगा, होगा ना भाई, और इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो टेन इनवर्स टी बाई वन प्लस सी, ठीक है। तो थ्री बाई टू रूट टू और इंटू टेन इनवर्स टी, टी किस को माने हैं देख लीजिए, टी हम लोग माने हैं टू रूट टू को, सॉरी टी माने हैं रूट टू एक्स स्क्वायर को, तो यहाँ हो जाएगा रूट टू एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक रूट टू है, तो हम लोग इसको रूट टू से डिवाइड कर दिए और प्लस सी, तो कुल मिलाकर यहाँ आ जाएगा रूट टू और रूट टू गुना हो जाएगा ना दोनों, तो कितना हो जाएगा थ्री बाई टू, टू टू से फोर, टेन इनवर्स रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर फाइव हम लोगों का सॉल्यूशन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स पे, क्वेश्चन नंबर सिक्स कैसे सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स को आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे है एक्स स्क्वायर बाई वन माइनस एक्स के पावर सिक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो है हम लोगों का एक्स स्क्वायर है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, वन स्क्वायर माइनस एक्स क्यू का स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, तो लेट एक्स क्यू को क्या मानेंगे टी, एक्स क्यू को मानेंगे टी, तो इसका हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स को मान लिया डी टी। तो यहाँ पे तो ऊपर एक्स स्क्वायर डी एक्स है, तो यहाँ से चलो भाई एक्स स्क्वायर डी एक्स का वैल्यू निकाल लो, तो क्या हो जाएगा डी टी बाई थ्री। अब ऊपर हो जाएगा हम लोगों को कितना, एक्स स्क्वायर डी एक्स के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं डी टी बटा में थ्री डिवाइडेड बाई वन स्क्वायर प्लस एक्स क्यू को मानेंगे टी, यानी कि टी स्क्वायर। अब यहाँ से तो वन बाई थ्री बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा डी टी बाई वन स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। तो वन बाई थ्री यहाँ हो जाएगा वन बाई वन स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी, ठीक है। तो अब यहाँ वन बाई थ्री तो ऑलरेडी बाहर है, वन बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का क्या फार्मूला होगा, तो टेन इनवर्स एक्स बाई ए फार्मूला होता है ना, तो यहाँ हो जाएगा वन बाई थ्री और टेन इनवर्स टी बाई वन, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा टी बाई वन, तो प्लस सी।
और टी को कितना माने हैं हम, तो यहाँ पे देख लीजिए टी को माने हैं एक्स क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, तो 1/3 टेन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस सी हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर हम लोग ऐसे ही चीज़ों को सॉल्यूशन करेंगे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू डी एक्स, ठीक है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू डी एक्स। फिर हम लोग कैसे करते हैं, तो इसको हम लोग सबसे पहले दो टर्म में तोड़ते हैं, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं, होगा ही नहीं, तो इसको दो टर्म में तोड़ेंगे, तो एक्स बट्टा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन और माइनस वन बट्टा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन और पूरा का डी एक्स, पूरा का डी एक्स,